दोस्तों, आज हम आपको एक बहुत बेहतरीन सा प्लान डिस्कस करने वाले हैं। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे, इसी मॉडल को डिस्कस करेंगे और इसके साइज़ की भी बात करेंगे। मकान कैसे क्रिएट हुआ है, इसका पूरा एलिवेशन वगैरह मैं सब कुछ आपको सामने डिस्कस करने वाला हूँ। एक बेहतरीन सा प्लान होने वाला है, बेहतरीन सा आपका फ्रंट एलिवेशन होने वाला है। तो इसी मॉडल को आज हम डिस्कस करेंगे। बने शोरूम लगातार, मैं हूँ अंशागर और आप देख रहे हैं अपना चैनल स्मार्ट हाउस प्लान। दोस्तों, आप स्मार्ट हाउस प्लान को सब्सक्राइब जरूर कर लें, यहाँ पर आपको लगातार अपडेटेड वीडियो मिलते हैं, नए नए मॉडल्स मिलते हैं। तो आप जब भी चैनल पर आएंगे तो आपको बहुत सारे आइडियाज़ मिल जाएंगे घर के, जो भी आप देख कर बनवा सकते हैं। जैसा कि जो आज का मैंने प्लान क्रिएट किया है वो 18x35 फीट में, अगर आपके पास 18 फीट फ्रंट है और 35 फीट इसकी लंबाई है तो ये मॉडल आप इसे ले सकते हैं, आप इसे कंसीडर कर सकते हैं और आप घर बनवा सकते हैं। क्योंकि इसका फ्रंट एलिवेशन जो है, फ्रंट डिजाइन है, वो एक ब्यूटीफुल आपको देखने को मिलेगा। तो इसी मॉडल को डिस्कस करेंगे आज हम। तो सबसे पहले अगर हम बात करें इसकी एलिवेशन की, तो देखिए मैं आपको थोड़ा समझा देता हूँ। ये एरिया पूरा एक है जिसमें मैंने दो कलर कॉम्बिनेशन दिए हैं, वाइट और एक आप इसे बोल सकते हैं ब्राउन। तो उसी में मैंने विंडो एक देखिए सेटअप किया है, जिसमें विंडो का ग्लास जो मैंने यूज किया है वो कि आपका ब्लू कलर, हल्का ब्लू कलर या स्काई कलर आप बोल सकते हैं, वो इस्तेमाल किया है। और यहाँ पर ये देखिएगा, घर को बनाते समय लगभग 1.5 फीट मैंने जगह ये वॉल आगे को रखी है, 1.5 फीट पीछे से बना हुआ है, जिससे इसी में ये डिजाइन आपका बना हुआ है। और ये आपका एक बारंदा है और इस बारंदे साइड से जो देखिए ये पट्टियाँ टाइप की आप देख रहे होंगे, ये वॉल ही है। आप यहाँ पर सिर्फ डिजाइनिंग के पर्पज़ से क्रिएट किए, अगर आप वॉल नहीं क्रिएट कराना चाहते हैं तो आप यहाँ पर वॉल पूरा एक साथ लगा सकते हैं। इसके बाद ये एक आपको छत मिलती है जो कि लगभग 8 फीट पर है, उसी छत पर मैंने देखिए ये लाइट्स वगैरह, झूमर वगैरह लगा रखा है। और ये स्टेयर से जहाँ से आप ऊपर जाएंगे बारंदे में चढ़ते हैं, वहाँ पर मैंने सोफ़ा वगैरह डाल रखा है, छोटा सा ही बारंदा है लेकिन बेहतरीन सा है। तो ग्राउंड फ्लोर की अगर हम बात करें तो ओवरऑल ये आप उसका ग्राउंड फ्लोर है। ये देखिए ये छत वगैरह, तो आप बारंदे में जाते हैं, बारंदे के बाद ये आपकी देखिएगा एक मेन बेडरूम जो है, मेन डोर ये है और उसके बगल में साइड में एक विंडो है और इधर एक और आपका मिल जाता है डोर और ये विंडो इधर। ये क्योंकि फ्रंट में मैंने एक बेडरूम क्रिएट किया हुआ है, ये देखिए फ्रंट में एक बेहतरीन से बेडरूम है जिसके लिए सामने से भी विंडो दिया है और साइड से भी विंडो दिया और डोर दिया। यहीं से आपकी एंट्री है इस बेडरूम में और सिर्फ बाहर से इसमें एंट्री कर पाएंगे, तो ये बेडरूम है। इसके बाद जैसे इस मेन डोर से आप एंट्री करते हैं अंदर, तो ये देखिएगा आप आ जाते हैं इस एरिया में। इस एरिया में सबसे पहले फ्रंट पे ही एक किचन है, ये देखिए मैंने डोर जो दिया है इसी में विंडो दिया है, किचन में से वेंटिलेशन होता है। इसके बाद सबसे पीछे आपके दो बेडरूम देखने को मिल जाते हैं। ये देखिएगा टोटल 18 फीट जगह है, 12 फीट इधर से लेकर मैंने दो भागों में डिवाइड कर दिया, तो लगभग 9.5 फीट का दीवार को छोड़कर 8.5 फीट का अंदर स्पेस आपका मिलेगा और लगभग 11 फीट लंबाई के। इसके बाद इधर से आपकी स्टेयर से गई हुई है, टर्न होकर वापस आती है उसी के नीचे, लेट एंड बाथ बनाए क्योंकि और कहीं जगह नहीं है। अगर आप तीन बेडरूम का कंसीडर करते हैं या तो फिर बारंदा आप हटा दें या तो एक बेडरूम कर दें तो लेट एंड बाथ शिफ्ट किया जा सकता है, अन्यथा आप कहीं बनाना पड़ेगा। उसके बाद ये आपका किचन है, तो तीन बेडरूम्स और एक बेहतरीन सा ये आपका किचन, लेटिन बात स्टेयर्स, बेहतरीन सा डिज़ाइन के साथ फ्रंट एलिवेशन, ये आपका ग्राउंड फ्लोर आपका रेडी हो जाता है। ये देखिए कि मैं और आपको जूम करके दिखाता हूँ, जिससे आपको इसका रियलिस्टिक व्यू देखने को, कलर कॉम्बिनेशन भी आपको बेस्ट देखने को मिलेगा। मैंने कुछ गमले वगैरह, प्लांट्स वगैरह लगा रखे हैं डेकोरेशन के पर्पज से, तो आप इन्हें देख सकते हैं। तो ये तो ग्राउंड फ्लोर की बात हो गई। मैं बात करें इसके फर्स्ट एंड लास्ट फ्लोर की, तो फर्स्ट फ्लोर पर देखिएगा मैंने क्या किया, चारों तरफ 3 फीट का बाउंड्री, फ्रंट में ये ग्रिल बना दी है मैंने, बेहतरीन सा ग्रिल पाइप और स्टील का कॉम्बिनेशन है और यहाँ पर ये वॉल्व ऐसे रहती है, यहाँ पर भी ग्रिल इस्तेमाल किया है और छज्जे पर कुछ भी नहीं बनाया। तो ओवरऑल 18x35 फीट में तीन बेडरूम बारंदे के साथ बेहतरीन सा मॉडल बनकर रेडी हो जाता है। और हमारे एक सब्सक्राइबर थे, वो लगातार कमेंट कर रहे हैं सर 18x35 फीट का एक मॉडल दीजिए, तो उन्हीं कहने पर ओवरऑल मॉडल मैंने क्रिएट किया है। मॉडल कैसा लगा आपको जरूर बताएं, वीडियो को लाइक से जरूर किया करें। आप लोग वीडियो देखकर चले जाते हैं तो एक बार लाइक कर दिया करें, जिससे हमें मोटिवेशन मिलता है, नए नए वीडियोस क्रिएशन के, नए नए वीडियो बनाने का भी आइडिया मिलता रहता है। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया जरूर कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।